देखते हैं क्या वो अभी आपको याद कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो अभी आपको याद कर रहे हैं। गाइस एक पे का कार्ड रीडिंग है, आपको तीनों में से कोई एक कार्ड चूज करना है। अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज कर सकते हो या आप तीनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को सुनकर कोई कार्ड चूज करें, या चाहो तो तीनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हो। अगर आप तीनों कार्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है, तो पर उसको ही लीजिएगा जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो, ठीक है। और गाइस एक ऑल साइंस रीडिंग है, आप सबके लिए है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने कार्ड चूज कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो पर्सन अभी आपको याद कर रहे हैं, इस वक्त वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो इनके चार्ट में ये साइन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये पर्सन मुझे कहीं और सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी और कंट्री या स्टेट में ये पर्सन सेटल हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और गाइस मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो कैसे ट्रैक पर लाया जाए लाइफ को, कैसे सब कुछ शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, ये पर्सन इन्हीं चीज़ों पर फंसे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़े से टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त ये पर्सन आपको राइट नाउ याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये करेंट एनर्जी है, करेंट एनर्जी सिर्फ इस वक्त की ही एनर्जी है। इस वक्त की पर्सन आपको याद करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका पूरा फोकस ना उन्हीं चीज़ों पर है कि कैसे लाइफ को ट्रैक पर लाया जाए, कैसे सब कुछ सही किया जाए। और कुछ लोग लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और सेटल हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, या कहीं और से आ भी रहे हैं, सभी हो सकता है। तो ये है आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच। ये करेंट एनर्जी है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, क्या है आपकी रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये, या तो इनका चार्ट में हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जब आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था। ये पर्सन आपकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं, जो आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। वैसे ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है यार कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, सबकी शादी हो रही है, क्यों ना हम भी कर लें, अब बड़े हो चुके हैं तो शादी कर ही लेनी चाहिए। आपके पर्सन का मुझे ये एनर्जी दिख रहा है, और मिलना चाहते हैं आपसे, डेट पर लेकर जाना चाहते हैं आपको, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ का ड्रीम्स इन्होंने देखा है, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं और आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपको, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, और कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। नन्हे मुन्ने चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन, यानी कि शादी चाहते हैं, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो। या ये भी हो सकता है कुछ लोग ले कि कभी आप दोनों ने ड्रीम्स देखा था साथ में मिलकर कि हम शादी करेंगे, तो यस जो विश है आप दोनों का, ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, पूरा करने के लिए सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया। देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया है, क्या है आपकी रीडिंग, क्या वो पर्सन इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। द एम्परर, यस ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर ये पर्सन बिल्कुल भी आपको ये एहसास नहीं होने देते कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच हैं, आपसे प्यार करते हैं। पर गाइस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन भले ही अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं करते, शो होने नहीं देते कि आपसे प्यार करते हैं, पर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारी है आपके प्रति, ये पर्सन निभाना चाहते हैं। भले ये पर्सन शो नहीं करते, पर आपसे प्यार काफ़ी ज़्यादा करते हैं,
और यस ये पर्सन आपको राइट नाउ याद कर रहे हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं आपको लेकर, ये पर्सन आपसे रिलेटेड कोई एक्शन ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, या जो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो निभा सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच गाइस इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वीडियो पर भी आ रहा होगा। सो बाय, लव यू ऑल।